हमारे समाज में अगर गलती की बात की जाए कि किनकी गलती है, महिला की या पुरुष की, तो अक्सर पुरुष की ही गलती ठहराई जाती है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक पत्नी जो अपनी बहन को अपने घर लेकर आती है और जो साली होती है उस व्यक्ति का, वह कहती है जो तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो वह मेरे साथ भी करो, एक बार नहीं दो दो बार करो। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है। वहीं का रहने वाला सभाजीत, जिसकी उम्र 36 साल थी, सभाजीत की शादी 2013 में एक महिला से होती है। शादी हो जाने के बाद वह बेहद ही खुशी से अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है। दो साल जो थे वह बहुत ही खुशहाली भरी जिंदगी उन दोनों की चलती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, समय बीतता है, उन दोनों के बीच कुछ न कुछ बातों को लेकर झगड़ा होना, कहा सुनी होना शुरू हो जाता है। जो सभाजीत था वह बार बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन जो सभाजीत की पत्नी थी वह समझने को तैयार नहीं होती है और वह अपने ससुराल से सीधे मायके भागकर चली जाती है और अपने पति के ऊपर ही मुकदमा दायर करा देती है कि उसका पति जो है वह उसे मारा पीटा करता है, उसे तंग किया करता है। जो वहाँ के थानेदार थे वह सभाजीत को गिरफ्तार कर थाने ले जाते हैं, उसे पूछताछ करते हैं। जो सभाजीत था वह करीब 5 सालों तक अपनी पहली पत्नी से केस लड़ता हुआ जाता है और वह लास्ट में 5 सालों बाद वह केस को जीत जाता है। केस को जीत जाने के बाद सभाजीत जो था वह बेहद ही खुशी से अपने माता पिता के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है, खेती बाड़ी कर कर अपने घर के खर्चे को चला रहा होता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, गांव मोहल्ले के जो लोग थे वह सभाजीत की काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। उसी बीच में जो सभाजीत की बुआ की जो बहू थी वह सभाजीत के घर पर पहुंचती है और कहती है कि सभाजीत तुम क्यों नहीं शादी कर लेते, तुम्हारा कोई भी अब तक बच्चा नहीं है, तुम तो अभी शादी कर सकते हो। जो सभाजीत था वह पहले तो इनकार करता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, पहले ही मैं एक शादी कर कर मैं काफ़ी ज़्यादा पछता रहा हूँ, जो मैं अब शादी नहीं करना चाहता। जो सभाजीत की बुआ की जो बहू थी वह सभाजीत के माता पिता को समझाती है कि सभाजीत जो है वह कब तक ऐसे रहेगा, उसका भी घर बस जाएगा, क्यों ना उसकी शादी करा देनी चाहिए। जो सभाजीत के माता पिता थे वह कहते हैं कि बेटे तुम शादी कर लो, जो कब तक अपनी ज़िंदगी जो है वह अकेले रहोगे, और हम लोग का ज़िंदगी जो है वह कितना ही बचा है, हम लोग जो है वह कुछ दिनों का ही मेहमान है। इस बात को सुनकर जो सभाजीत था वह कुछ सोचता है और हामी भर देता है। हामी भर देने के बाद जो सभाजीत की बुआ की बहू थी वह अपने घर चली जाती है। फिर 2 दिन बीत जाने के बाद सभाजीत के जो बुआ की बहू थी वह फ़ोन करती है और कहती है रिश्ते की बात जो है वह लड़की वालों की तरफ से वह कर ली है। इस बात को सुनते ही जो सभाजीत होता है वह पूछता है कि अब तक मैंने लड़की नहीं देखी, उसके बारे में आप कुछ भी बताए नहीं हो और रिश्ता जो है वह तय कर दिए। इस बात को सुनते ही जो बुआ की बहू थी वह कहती है कि लड़की का नाम जो है वह खुशी दीवानी है और वह 5 बहन है, बड़ी बहन और उससे छोटी बहन जो थी वह शादी हो चुकी है और वह दोनों जो है वह बम्बई में रहा करते हैं। इस बात को सुनकर जो सभाजीत था वह कहता है कि ठीक है, आप जो है वह रिश्ते की बात कर ही लियो, तो शादी जो है वह किस तरीके से करना है आप ये भी बता दो। जो बुआ की बहू थी वह कहती है कि जो लड़की वालों के जो माता पिता हैं वह कहे हैं कि हम लोग जो है बस शादी कोर्ट में करेंगे, जो कोर्ट में तुम्हें जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद सारी कागजात जो है वह तैयार करने होंगे और वहाँ पर साइन करने के बाद जो कागजात होंगे वह लड़की वालों के घर पर पहुँचेगा और वहीं पर जो खुशी दीवानी है वह सिग्नेचर करेगी और उसके बाद खुशी दीवानी वह तुम्हारे घर पर चली जाएगी। जो सभाजीत था वह पहले तो इस बात को सुनता है वह तैयार नहीं होता, कहता है कि ये कैसी शादी है, जब समाज के नज़र में आएगा ही नहीं। जो बुआ की बहू थी वह कहती है कि उन लोगों का मानना है कि जो तुम्हारी पहली पत्नी है वह कहीं राज शादी में कोई विघ्न न डाले, इसलिए इस तरीके से शादी जो है वह संपन्न की जाएगी। जो सभाजीत था वह तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है जैसा आप कहो। जो सभाजीत का भाई था वह गांव का प्रधान था, वह तुरंत सभाजीत को लेकर कोर्ट में पहुँचता है, वहाँ पर सारे कागजात जो होते हैं वह तैयार किए जाते हैं और वहाँ पर सभाजीत जो था वह सिग्नेचर करता है। उसके बाद एक व्यक्ति जो था वह उस कागजात को लेकर मोटरसाइकिल से निकलता है और खुशी दीवानी के घर पर पहुंचता है और वहां पर खुशी दीवानी के साइन कराने लेने के बाद जो कागजात थे वह कोर्ट में लाकर जमा कर दिया जाता है।
करीब शाम के 4 बजते ही जो खुशी दीवानी थी वह एक स्कॉर्पियो पर अपने पति सवाजीत के घर पर पहुंचती है। जो सवाजीत था वह पहली बार अपनी पत्नी को देख रहा होता है। जैसे ही वह अपनी पत्नी के चेहरे को देखता है वह बेहद ही ज़्यादा खुश होता है और वह तुरंत अपनी पत्नी के हाथों को पकड़ता है और उसे अपने घर में ले जाता है और पहली शादी की तरह वह बेहद ही खुशबू से अपनी पत्नी के घर में एंट्री करवाता है। जो खुशी दीवानी थी वह कमरे में जाती है और बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगती है। जो सवाजीत था अपने घर के रिश्तेदारों के साथ शराब की पार्टी कर रहा होता है। रात के करीब 11 बजते हैं। जो सवाजीत था वह अपने कमरे में शराब पीकर पहुंचता है और अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और उसे प्यार करने लगता है और उसके साथ भूखे भेड़िए की तरह संबंध बनाना शुरू कर देता है। जो सवाजीत की पत्नी खुशी दीवानी थी वह बेहद ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ऐसे ही मेरा पति चाहिए था जो मुझे बेहद ही ज़्यादा प्यार करे और यह खुशी जो है वह मेरी बहन के साथ तुम्हें बांटनी होगी। इस बात को सुनते ही जो सवाजीत था वह कुछ समझ नहीं पाता। वह पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी बहन के साथ ये सब चीज़ें जो है मैं कैसे कर सकता हूँ। खुशी दीवानी थी सवाजीत की तरफ मुस्कुराती है और कहती है कि प्यार करते ही रहो, आज जो है वह पूरी रात तुम मुझे प्यार दो। इस बात को कहते हुए दोनों जो थे वह एक दूसरे से प्यार करते हुए संबंध बनाते हुए वह रात जो थी वह बिता देते हैं। अगली सुबह होते ही जो खुशी दीवानी थी वह अपने घर के काम काज को करना शुरू कर देती है और 2 दिन बीत जाने के बाद खुशी दीवानी का जो भाई था वह अपनी बहन को लेने के लिए ससुराल पहुंचता है। जो खुशी दीवानी थी वह बेहद ही खुश होती है और घर के सभी सदस्य जो थे, जो सवाजीत था वह अपनी पत्नी को भाई के साथ विदा करता है। जो खुशी दीवानी थी वह अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है। करीब 10 दिन अपने मायके रहने के बाद जो सवाजीत था वह अपने ससुराल पहुँचता है अपनी पत्नी को लाने के लिए। वहाँ पर सारी तैयारियाँ जो थी वह खुशी दीवानी लौटने को करती है, अपने ससुराल आने को करती है और साथ में जो खुशी दीवानी थी वह अपनी छोटी बहन को भी कहती है कि वह मेरे साथ ही जाएगी और मेरे साथ ही रहेगी। जो सवाजीत था वह पहले तो कुछ नहीं समझता, वह कहता है कि ठीक है साली साहिबा जो है वह मेरे साथ ही रहेंगी तो ठीक है, वहाँ पर भी इनका मन लगता लगा रहेगा और मेरा भी मन लगेगा। इस बात को सुनकर खुशी दीवानी और खुशी दीवानी की जो छोटी बहन पिंकी थी वह बेहद ही ज़्यादा खुश होती है। जो घर के सभी सदस्य होते हैं वह सवाजीत और पिंकी और खुशी दीवानी को अपने घर से विदा करते हैं। जो खुशी दीवानी थी वह अपने बहन के साथ अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल आने के बाद वहां पर वह अपने काम काज को करना शुरू कर देती है। रात के करीब 8 बजते हैं। जो सभी लोग जो थे वह बैठ कर खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खा लेने के बाद जो सवाजीत था वह अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। जो खुशी दीवानी थी वह अपने बहन के साथ खाना पीना खा रही होती है। घर के सभी काम को कर कर वह भी अपने बहन पिंकी को लेकर अपने कमरे में पहुंचती है। जो सवाजीत था वह कहता कि पिंकी जो है वह मेरी साली वह मेरी माँ के साथ सो जाएगी, जो हम दोनों जो है यहाँ पर सो जाएंगे। इस बात को सुनकर जो पिंकी थी वह कहती है कि कोई बात नहीं जीजा, मैं जो हूँ वह आपके बगल में ही सो जाऊंगी। एक तरफ खुशी दी सो जाएगी और एक तरफ मैं सो जाऊंगी और आप जो है वह बीच में सो जाना। जो सवाजीत था वह कुछ सोचता है और मुस्कुराते हुए हामी भर देता है। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। जो पिंकी थी वह अपने जीजा के पैरों में अपने पैर को टकराना शुरू कर देती है और उसे छूना शुरू कर देती है। जैसे ही सवाजीत की आंखें खुलती है वह कुछ समझ नहीं पाता और पिंकी की तरफ देखता है। जो पिंकी थी वह कहती है कि जीजा जी आप जो है वह चुपचाप रहो, मुझे जो है वह आप पर प्यार आ रहा है, मेरी जरूरत भी आप जो है वह पूरा कर दो। इस बात को सुनकर सवाजीत जो था वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है तो उसकी पत्नी जो थी वह सोई हुई थी। सवाजीत जो था वह अपनी साली के साथ प्यार करना शुरू कर देता है और वहीं पर संबंध बनाना शुरू कर देता है। करीब 10 से 15 मिनट होने के बाद जो सवाजीत की पत्नी थी खुशी दीवानी वह उठकर बैठ जाती है। उठकर बैठने के बाद वह कहती है कि ए तुम क्या कर रहे हो। जो सवाजीत था वह कहता है कि उससे गलती हो गई। इस बात को सुनते ही सवाजीत की दूसरी पत्नी खुशी दीवानी जो थी वह कहती है कि करते रहो, अच्छा है, बढ़िया है। जो सवाजीत था वह कुछ समझ नहीं पाता। जो खुशी दीवानी थी वह अपनी बहन और अपने पति के साथ प्यार करना शुरू कर देती है। तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और ये जो सिलसिला था
चलता हुआ जा रहा होता है। जो सवाजीत था वह अब लगने लगा था उसे कि जो उसकी पत्नी जो है वह अब मना नहीं करेगी। जो वह उसका जब साली है जो है वह तैयार है और उसकी पत्नी जब तैयार है तो वह अब जो है बहस मौज करता हुआ अपनी जिंदगी काटेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जो सवाजीत की साली पिंकी थी वह कहती है सवाजीत से कि तुम मेरी बहन के साथ एक बार जो करते हो वह मेरे साथ दो बार किया करो। जो सवाजीत था वह अपनी साली की इच्छाओं को पूरा करता है, अपनी पत्नी के साथ एक बार संबंध बनाता है, उसके बाद अपनी साली के साथ वह दो बार संबंध बनाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जो सवाजीत की जो साली थी उसका डिमांड जो था वह हर दिन बढ़ता हुआ जा रहा होता है। एक रात के करीब 10 बज रहे होते हैं, सवाजीत जो था वह अपनी पत्नी के साथ प्यार कर रहा होता है, संबंध बना रहा होता है। उसी बीच में जो पिंकी सवाजीत की साली थी वह कहती है कि जीजा, जो मेरी बहन के साथ तुम एक बार कर रहे हो वह मेरे साथ 5 बार क्या कर सकते हो। जो सवाजीत था वह इस बात को सुनता है, वह कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो। जो पिंकी थी वह कहती है कि आपको जो है वह मेरे साथ करीब 5 बार संबंध जो है वह बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो सवाजीत था वह मना करता है। जो खुशी दीवानी थी वह कहती है कि तुम्हें जो है वह मेरी बहन की इच्छा को पूरी करनी ही पड़ेगी। इस बात को सुनकर सवाजीत जो था वह अपनी पत्नी की बातों को मानकर शुरुआत तो कर देता है और करीब 5 से 6 बार संबंध बनाने के बाद वह जो था वह आराम करने लगता है। उसी बीच में जो खुशी दीवानी थी वह कहती है कि अब नहीं, और जो है वह तुम्हें मेरी बहन के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। इतना कहकर जो वहां से वह बाहर जाने लगती है, तभी जो सवाजीत था वह कहता है कि वह अब नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। जो खुशी दीवानी थी वह कहती है कि मैं कुछ तुम्हें पीने के लिए दे रही हूँ, इसे पीने का जो बात जो है तुम्हारा दर्द जो है वह शरीर का खत्म हो जाएगा। जो खुशी दीवानी थी वह किचन में जाती है और एक गिलास दूध में कुछ मिलाकर लेकर आती है और सवाजीत को वह दे देती है। सवाजीत उस दूध के गिलास को पीता है और करीब 1/2 घंटे बाद वह फिर से अपनी साली और अपनी पत्नी से प्यार करना, संबंध बनाना शुरू कर देता है। वह रात जो थी वह सवाजीत जो था वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और करीब 9 बार उस रात में अपनी पत्नी और अपनी साली के साथ संबंध बनाता है। जो सवाजीत था वह अगले दिन अपनी पत्नी को से अगल सोने की सोचता है, लेकिन उसकी पत्नी और साली पिंकी जो थी वह कहती है कि नहीं, आपको जो है वह हम लोगों के साथ ही सोना पड़ेगा। जो सवाजीत था वह इनकार करता है, लेकिन दोनों जो थे बहने बहने वह सवाजीत को अपने पास सुलाते हैं और उसके साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि सवाजीत था अब उसे लग रहा था कि उसने जो पहली रात में किया वह सबसे बड़ी उसकी गलती थी, उसे अपनी साली के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए था। लेकिन जो सवाजीत था वह अब कोई उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा होता कि वह अब करे तो करे क्या। एक दिन के करीब 10 बज रहे होते हैं, सवाजीत की जो साली पिंकी थी वह कहती है कि उसे जो है वह 50,000 रुपये की आवश्यकता है और उसे अपने भाई को एक गाड़ी खरीद कर देनी है। जो सवाजीत था वह कहता है कि उसके पास उतने पैसे है नहीं, लेकिन पिंकी जो थी वह कहती है कि अगर वह पैसे नहीं देगा तो वह जो है वह सारी बातें जो है वह सभी को बता देगी कि उसका जीजा जो है वह उसके साथ रात में क्या करता है। इस बात को सुनकर सवाजीत जो था वह डर सा जाता है और वह तुरंत कहता है कि ठीक है, आपको जो है मैं 50,000 रुपये व्यवस्था कर दे देता हूँ। जो सवाजीत था वह अपने कई रिश्तेदारों के पास कॉल करता है और पैसे ले लेने के बाद वह पिंकी को 50,000 रुपये दे देता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं, फिर कुछ दिन बीतने के बाद जो खुशी दीवानी थी वह भी 50,000 रुपये का डिमांड करती है और इसी बात को वह भी दोहराती है कि ये बात जो है वह पूरे गाँव मोहल्ले में वह फैला देगी अगर वह 50,000 रुपये नहीं देगा। जो सवाजीत था वह कुछ सोचने लगता है कि एक तरफ उसकी साली जो है वह इसी बात का धमकी दे रही है, अब जो है वह उसकी पत्नी भी उसका साथ देने की बजाय उसे जो है वह धमकी दे रही है। वह सवाजीत जो होता है वह फिर से अपने दोस्तों से 50,000 रुपये मांगता है और अपनी पत्नी को दे देता है। जो सवाजीत होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब करे तो करे क्या, ना ही उसकी पत्नी उसकी बात को समझ पा रही है, ना ही उसकी साली समझ पा रही है, अब मदद मांगे तो किससे मांगे। वैसे ही हर दिन की तरह सवाजी जो था वह अपनी साली और अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोता है और रात होते ही जो पिंकी थी और खुशी दीवानी दोनों मिलकर सवाजी से प्यार करना, संबंध बनाना शुरू कर देती है और करीब 5 से 6 बार हो जाने के बाद जो सवाजी था वह मना करने लगता है। जो
खुशी दीवानी थी और पिंकी हाथों और मुंह से कर कर बहू से तैयार करती और फिर से बहू के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती। जो सबाजीत था वह उसे लगने लगा था कि वह अब बड़े झमेले में पड़ चुका है। गांव मोहल्ले के जो लोग थे उनसे वह डर रहा होता है कि पहली पत्नी जो है वह उसे छोड़कर चली गई, अब वो अगर उसकी दूसरी पत्नी यहाँ से घर से छोड़कर चली जाएगी तो गांव मोहल्ले के जो लोग हैं उसे सही से जीने नहीं देंगे। इस कारण से वह चुपचाप से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है अपनी साली और अपनी पत्नी के साथ। जो उसकी साली थी वह फिर से अपने पति से डिमांड पैसों के करती है और जो उसकी पत्नी खुशी दीवानी थी वह भी सवाजी से पैसे को डिमांड करती है। जो सवाजी था वह अपनी पत्नी और अपनी साली का डिमांड को पूरा किसी तरह से कर रहा होता है, कर्जे ले रहा होता है। जैसे से दिन बीत रहे थे जो सवाजी था वह धीरे धीरे काफी अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। अब उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आने लगता है तो वह अपनी पत्नी से ही लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है कि वह आज दिन से वह पिंकी के साथ ना ही कभी संबंध बनाएगा और वह उसे जो है वह यहाँ से भेज दो। लेकिन जो पिंकी थी, जो सवाजीत की साली थी, वह जाने को तैयार नहीं होती है, ना ही खुशी दीवानी अपनी बहन को मायके भेजने को तैयार होती है और कहती है कि वह मेरे साथ ही और तुम्हारे साथ ही यह यहाँ पर जिंदगी भर रहेगी। लेकिन सवाजीत जो था वह कहता है कि नहीं, वह यहाँ पर नहीं रहेगी, वह अपने घर चली जाएगी। जो सवाजीत था वह अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े मारपीट करना शुरू कर देता है। उसी बीच में जो खुशी दीवानी थी वह एक शाम के घर में जब सवाजीत नहीं होता है तो अलमारी से जितने भी पैसे होते हैं जो सवाजीत कमा कर रखे हुए थे छिपाकर, उन सभी पैसों को वह लेती है और वह सीधा वहाँ से अपने जीजा के पास चली जाती है जहाँ पर उसकी दो बहनें जो थी वह पहले से ही जीजा के साथ रह रही होती है। जो सवाजीत था वह जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि जो खुशी दीवानी उसकी पत्नी और उसकी साली पिंकी जो है वह घर पर नहीं है। अपने बुजुर्ग माता पिता से पूछता है, जो सवाजीत के बुजुर्ग माता पिता होते हैं वह कहते हैं कि उसे गाली देते हुए जो उसकी पत्नी खुशी दीवानी थी और पिंकी वह वहाँ से चले गए। अलमारी की आवाज़ें आ रही थी। जो सवाजीत था वह अलमारी के पास पहुंचता है तो देखता है कि अलमारी में जितने पैसे और गहने रखे हुए थे वह सभी जो है वह खुशी दीवानी लेकर चली गई है। जो सवाजीत था वह तुरंत अपने घर से निकलता है और वहीं के पास के थाने में जाता है और अपनी पत्नी और अपनी साली के सारी बातों को बताता है। जो पुलिस वाले थे वह पहले तो सवाजीत को ही गलती ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पूरी बात सवाजीत की सुनते हैं तो वह तुरंत एक्शन मोड में आते हैं और वह तुरंत खुशी दीवानी के मायके पर पहुंचते हैं, जहां पर जाने के बाद पुलिस जो थी वह पता करती है कि उस घर का जो रीति रिवाज है वह बिल्कुल ऐसा ही है। बहन जो है वह खुशी दीवानी के बड़े जीजा राजीव के पास मुंबई में रहा करते हैं। वहां पर जो खुशी और पिंकी थे वह भी वहां पर बड़े जीजा के पास चली गई है और वहीं पर वह अब रहने वाली है। इस बात को सुनते ही जो पुलिसकर्मी थे वह काफी ज्यादा हैरान होते हैं। गांव मोहल्ले से सभी लोगों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो सभी लोग जो थे वह गांव मोहल्ले के वह पिंकी के घर वालों को गलत ठहराते हैं और कहते हैं कि उस घर का रीति रिवाज है कि एक बहन के साथ दूसरी बहन जो है वह गिफ्ट के तौर पर जाया करती है और वह वहीं पर रहा करती है, अपने जीजा के साथ ही वह पूरी जिंदगी व्यतीत करती है और जीजा के साथ ही संबंध बनाती है। सभी पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो वह खुशी दीवानी के ऊपर मुकदमा दायर करते हैं और इस केस की जांच करना शुरू कर देते हैं और ये केस जो है वह अभी पूरी जो है वह जांच कर रही है। इसमें जौन दोषी पाया जाएगा उसे जल्द से जल्द सजा मिलेगी। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या सवाजीत की गलती थी कि वह अपनी साली से परी रात को उसके साथ संबंध बनाया, या फिर सवाजीत की बुआ की बहू की गलती थी कि वह सभी बातों को बिना बताए हुए वह सवाजीत की शादी कराया, या फिर सवाजीत की पत्नी खुशी दीवानी की गलती थी कि वह अपनी बहन को अपने साथ लेकर आई और वह मना करने की बजाय बोलती है बढ़िया कर रहे हो और करते रहो। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।